हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे वोल्टी कॉल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि आप अगर किसी को कॉल लगाते हैं, अपने किसी फ्रेंड को कॉल लगाते हैं और उस टाइम पे आपकी वॉइस क्या होती है, दूसरे को सुनाई नहीं देती है, ठीक है, या उसकी वॉइस आप तक नहीं आ पाती है, ठीक है, आती है तो वो रुक रुक के आती है, उसका इश्यू क्या है, जिसे हम कॉल म्यूटिंग बोलते हैं। कभी कभी दूसरे की आवाज़ हमारे तक पहुँच ही नहीं पाती है या हमारी आवाज़ दूसरे तक पहुँच ही नहीं पाती है, तो उसका वोल्टी में यानी 4G में वोल्टी में क्या इश्यू होता है, ठीक है, उसके रीजंस क्या क्या हैं, उनको हम किस तरीके से सही कर सकते हैं, उस बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी वीडियोज़ के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आ जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं वन बाय वन रीजंस इसके क्या हैं, ठीक है, किस तरीके से हमारी जो वोल्टी कॉल है वो म्यूट हो जाती है, हमें एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। देखिए, सबसे पहला आप भी जानते हैं, सबसे पहले अगर आपका कवरेज पुअर है, ठीक है, पुअर कवरेज, ठीक है, अगर आपका कवरेज पुअर है तो वहाँ पर आपकी वोल्टी वॉइस ब्रेक होगी ही होगी, ठीक है। अगर आपका साइनार पुअर है, कवरेज पुअर है, ठीक है, क्वालिटी पुअर है, ठीक, तो उस टाइम पे आपकी कॉल म्यूट भी हो सकती है और वॉइस ब्रेक भी हो सकती है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वहाँ पे एक डोमिनेंट, ठीक है, विद गुड कवरेज, ठीक है, एक किसी ऐसे कवरेज में आप होने चाहिए, किसी एक साइड के कवरेज में, ऐसे नहीं कि काफ़ी सारी साइट्स वहाँ पे सर्व कर रही हैं और वो फ्लक्चुएट कर रही हैं, ठीक है, उनका कवरेज क्या है, फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी डोमिनेंट नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका हैंडओवर भी बहुत जल्दी जल्दी आपका हैंडओवर होगा, उस वजह से भी आपकी कॉल म्यूट हो सकती है और वहाँ तक कि कभी कभी ड्रॉप भी हो जाती है, ठीक है। तो आप किसी ऐसे कवरेज में रहें जहाँ पर आपका कवरेज अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी आ रही हो, ठीक है, और एक ही सेल यानी डोमिनेंट हो, ठीक है। अगर आप पुअर कवरेज में हैं, वहाँ पे क्वालिटी ख़राब है, तो आपका हो सकता है वॉइस म्यूट हो जाए, ठीक है। म्यूट होने का ये रीज़न नहीं है कि आपकी तरफ ही नेटवर्क, जैसे आपके अपने फ्रेंड को कॉल लगा रहे हैं तो आपकी तरफ नेटवर्क नहीं है तो ही म्यूट होगी, अगर आपके फ्रेंड साइड में भी, जहाँ पे आपका फ्रेंड जिसको आप कॉल कर रहे हैं वहाँ पर भी नेटवर्क ख़राब है, ठीक नहीं है, तो भी आपकी कॉल म्यूट हो सकती है, ठीक है। दोनों तरफ नेटवर्क सही होना चाहिए, तभी आपकी बातचीत सही से हो सकती है। दूसरा रीज़न, जैसा कि मैंने अभी बताया था, साइनार, ठीक है, अगर आपका साइनार पुअर है, नेटवर्क की क्वालिटी ही पुअर है, ठीक है, तो भी आपका जो क्वालिटी होगी, कॉल म्यूटिंग होगी, वो हो सकती है। तो आपको क्या करना है, ओवरशूटिंग कम करके, ठीक है, ओवरशूटिंग कम करनी है, साइनार सही करना है, ठीक, चाहे आप उसे डाउन टिल्ट करें, कैरेक्टर को जिस तरीके से करना चाहें कर सकते हैं, आपको क्या करना है, साइनार को इम्प्रूव करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस और इंटरनल इंटरफेरेंस, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो या इंटरनल इंटरफेरेंस हो, उसकी वजह से भी आपका नेटवर्क ख़राब रहता है, ठीक है। कवरेज सही होने के बाद भी अगर आपका इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा है तो उसमें भी कभी कभी क्या होता है, कॉल कनेक्ट ही नहीं होती है, अगर कॉल कनेक्ट हो जाती है तो आपकी वॉइस एक दूसरे को सुनाई नहीं देती है, म्यूट हो जाती है या ब्रेक होने लगती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी भी तरीके से एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को कम करने की कोशिश करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, अलार्म, ठीक है, अगर आपकी साइट पे अलार्म है, किसी भी तरह का अलार्म है, VSWR, जैसे कि हम बोल सकते हैं VSWR, अपनी या साइट पे अलार्म है या ट्रांसमिशन इशू है, कोई भी ट्रांसमिशन इशू अलार्म है कोई भी, ठीक है, या कोई TNL फेल हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उनको क्लियर करा देना है, ठीक है।
अगर आपको ये इशू कहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, अलार्म क्लियर करा देना है, ट्रांसमिशन इशू है तो वो चेक करा लेना है, TNL फेज को क्लियर करा लेना है, ये चीज़ आपको करानी होगी तभी आपका वोल्टी का इशू क्लियर होगा। ठीक है, पैकेट लॉस, देखिए पैकेट लॉस आपको देखना ही देखना है, जितने पैकेट्स अपलिंक में जा रहे हैं और कितने रिसीव हो रहे हैं, कितने रिसीव नहीं हो रहे हैं, लॉसेस कितने हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। क्योंकि अगर जितने हम पैकेट्स भेज रहे हैं और जिसके पास भेज रहे हैं वहाँ पर पहुँचेंगे ही नहीं वो पैकेट, तो क्या होगा, कॉल म्यूट होगी ही, यानी जो चीज़ हम बोल रहे हैं उसमें से कुछ वर्ड्स क्या होंगे, कट जाएंगे। ठीक है, पैकेट लॉस का मतलब जो हम कुछ वर्ड्स बोल रहे हैं, ठीक है, वो एक सिग्नलिंग की फॉर्म में जाएंगे और वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, अगर हमारी आधी बात दूसरे तक पहुँच रही है और आधी नहीं जा रही है तो उसी को बोलते हैं हम कॉल म्यूट, यानी आधी पहुँच गई है तो आधी दूसरे को नहीं सुनाई थी। ठीक है, यानी पैकेट लॉस भी हो सकता है, आपको वो चेक कर लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, आपको क्या करना है, हैंड ओवर चेक कर लेने होंगे। हैंड ओवर प्रॉपरली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं जो हैंड ओवर हो रहा है वो लेट हो रहा है। ठीक है, क्या लेट का मतलब आपका कवरेज खराब होता जा रहा है, यानी खिंचता हुआ जा रहा है। ठीक है, यूज़र अगर किसी साइट से लैच है उसका वो नेक्स्ट साइट को हैंडओवर नहीं दे रहा है और जिस साइट से लैच है उसका कवरेज खराब होता जा रहा है, सैलेज पे यूज़र पहुंच चुका है और हैंडओवर नहीं हो रहा है। ठीक है, काफ़ी लेट जाके हैंडओवर हो रहा है तो जब कवरेज काफ़ी ख़राब हो जाएगा, क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, तो वहाँ पे वो इस ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको हैंडओवर प्रॉपरली चेक कर लेने हैं, ऐसा ना हो कि हैंडओवर काफ़ी जल्दी जल्दी हो रहे हों। ठीक है, अर्ली हैंड ओवर होंगे उसकी वजह से भी इशू आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको प्रॉपरली चेक कर लेनी है। मीन होल्डिंग टाइम, मीन होल्डिंग टाइम, ठीक है, ये आपको प्रॉपरली चेक कर लेना है सही से। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑप्टिमाइज B2 थ्रेशोल्ड। ठीक है, B2 थ्रेशोल्ड आपको चेक कर लेना है और उसको ऑप्टिमाइज करना है, B2 थ्रेशोल्ड। B2 थ्रेशोल्ड आप समझ रहे होंगे, B2 हैंडओवर कौन सा होता है, ठीक है, B2 इवेंट्स किसके लिए होता है, उसमें क्या क्या थ्रेशोल्ड होते हैं, वो आपको ऑप्टिमाइज करा लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमाइज A3 ऑफसेट, ऑप्टिमाइज A3 ऑफसेट। ठीक है, और टाइम टू ट्रिगर A3। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ऑप्टिमाइज करा लेना है। ठीक है, ये इसके थ्रेशोल्ड ऑफसेट ये सारी वैल्यूज चेक करनी है और उनको ऑप्टिमाइज करा लेना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट, सॉरी, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो आपके RRC रेस्टेब्लिशमेंट रेट है वो आपको चेक कर लेना होगा और ये जितना हो सके कम होना चाहिए, ज़्यादा ना हो। ठीक है, RRC री एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, RRC री एस्टेब्लिशमेंट रेट जितना हो सके ये लो होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी लो, लो एज पॉसिबल। ठीक है, ये क्या होना चाहिए आपका, जितना हो सके लो होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है रेडियोलिंक फेलियर। ठीक है, ये आपको प्रॉपरली चेक कर लेना है, ऐसा तो नहीं आपका रेडियोलिंक फेलियर हो रहा है, कवरेज नहीं है, उसके कुछ टाइमर्स होते हैं वो आपको चेक कर लेने हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंट रेडियोलिंक फेलियर, ठीक है, ये आपको ठीक से चेक कर लेना है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, ऑप्टिमाइज RLF काउंटर्स, सॉरी टाइमर्स। ठीक है, कुछ टाइमर्स होते हैं जो आपको, और काउंटर्स होते हैं, टाइमर्स और काउंटर्स जिन्हें आपको ऑप्टिमाइज कराना है, वो कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ। देखिए, टी
311, ठीक है, एन 311। देखिए जो टी से होता है वो टाइमर होता है और जो एन से होता है वो काउंटर होता है, ठीक है। ये आपको ऑप्टिमाइज करा लेने हैं, T310 और N310, ये आपको प्रॉपरली चेक करना आना है और इनको ऑप्टिमाइज करा लेना है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स जिनकी वजह से हम जिन्हें चेक करके हम वोल्टेज म्यूट कॉल को जो इश्यू आता है उसको रिजोल्व कर सकते हैं, अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी म्यूट कॉल रिजोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मॉस के बारे में, ठीक है, पुअर मॉस के बारे में, उसके क्या क्या रीजन्स हैं, जो वोल्टी क्वालिटी है जिसे हम मॉस से मेजर करते हैं, मॉस यानी मीन ओपिनियन स्कोर, ठीक है, उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसके ख़राब होने के क्या क्या रीजन्स हैं, ठीक है, वो जानेंगे। आज हमारी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।